वीडियो में हम देखेंगे लेदर कटिंग मशीन से। हम अभी हमारे पास में 3M कंपनी का रेट्रो है, कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास में, तो हम सोचे एक वीडियो बना लेते हैं और इसे लेजर से कटिंग करके और एक बोर्ड बनाएंगे। मेरे पास में ये ACP बोर्ड है, इसमें हमने रेडियम पेस्टिंग कर लिया है और इसके ऊपर में रेड कलर का लेजर डालेंगे। तो डिजाइनिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट आर्ट एरो, जो कि मेरा रोड पर भी हम लगाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं तो कन्फ्यूज जाते हैं रास्ता किधर से, छोटा सा बोर्ड लगा लेते हैं वहाँ इंडिकेशन के लिए। तो ये 3M कंपनी का रेट्रो है, लेजर में कैसे काटेंगे इसे कटिंग करके भी हम चेक करते हैं। हालांकि ये कटिंग होता है ये प्लॉटर मशीन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लॉटर मशीन है जगुआर कंपनी का, तो इसी से ये रेट्रो कटिंग होता है, लेकिन हम इसे उससे कटिंग ना करके हम लेजर से कटिंग करेंगे, कुछ अलग करते हैं। और इसे कटिंग करके अभी हम, तो सबसे पहले इसे हम कटिंग जो करेंगे उल्टा साइड से करेंगे, इस टाइप से उल्टा रख लेंगे। इस टाइप से उल्टा रखने के बाद में हम इसमें मिला लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ठीक ठाक डिस्टेंस है। एरिया सेट कर लेते हैं, ये अपना एरिया भी सेट हो गया। अब यहाँ से डिजाइन को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ये मेरा फ्लेक्सी साइन सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग है, तो इसे हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। कलर कर लेते हैं ब्लैक और इसका पावर है मेरा यहाँ पे दिया हुआ 60, पावर मेरे हिसाब से 12 तक का सही रहेगा, 12 का पावर। स्पीड 15 का है तो स्पीड रहेगा मेरे हिसाब से 40-50 का स्पीड सही रहेगा। और एक चीज़ और, रेट्रो को हम उल्टा किए हैं तो यहाँ से डिज़ाइन को भी हम उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ से डिज़ाइन को हम मिरर कर लेते हैं, ये डिज़ाइन हमारा मिरर हो गया है। लेजर कर लेते हैं ऑन, देखते ये कटिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत पहले हम कटिंग किए थे लेकिन उसका पावर स्पीड वगैरह अभी ठीक से याद नहीं है। देखते कट रहा है या नहीं कट रहा है, कटिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, ब्लोअर चलाएंगे तो आवाज बहुत ज्यादा करेगा, इसलिए ब्लोअर नहीं चलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कटिंग हो चुका है, लेकिन ये जो पावर और हमने स्पीड सेट किया, आप अपने मशीन के हिसाब से आप खुद से सेट कर लीजिएगा या फिर छोटा सा कुछ पहले कटिंग करके देख लीजिएगा। तो मेरा भी काफ़ी दिन हो गया कटिंग किए, लेकिन कटिंग सही सही हो चुका है, ठीक ठाक कटिंग हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, लेकिन अब हम इसे पेस्ट करके देखते हैं। तो ये रेट्रो हमारा कटिंग हो चुका है, अब इसे हम यहाँ पे पेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दाग लगा लेते हैं, कितना दूर तक में ये आएगा हमारा। सिर्फ लेटर का प्लास्टिक हटा देंगे इस टाइप से। तो ये देखिए टेप हट चुका है, अब इसे हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं कहाँ कहाँ दाग लगाए थे। ये एक दाग रहा हमारा यहाँ पे और एक दाग इधर होगा। इस तरीके से यहाँ पे रख दिए, इसे अलग से यहाँ पे डाल देते हैं। हो गया, अब बारी आता है इसे हटाने का, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग नहीं हुआ था फ्रेश। तो आप जब एक दो बार उसका प्रेशर और स्पीड सेट कर लेंगे तो कटिंग पूरा अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए राउंड
राउंड राउंड वाला में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, बात नहीं। ये देखिए बीच का हटा लेते हैं, ये ज़्यादा कटिंग हो गया है, इसका भी उपाय मेरे पास में है। तो ये है एग्रो टेप, इसे इस तरीके से यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो इसे भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, दाग लगा लिए हैं, इसका भी पेपर पीछे से हटा लिए। ये हो गया इसे कीबोर्ड और 3D लेटर। तो इतना छोटा छोटा भी इजीली आप लेजर से कटिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया है। एक काम में प्लास्टिक ही नहीं हटाया। इतना फिनिशिंग तो लग रहा है, प्लॉटर मशीन में भी इतना छोटा लेटर कटिंग नहीं होता जितना फिनिशिंग लेजर में कटिंग होगी अपना। ये देखिए ये अपना लेटर हो गया। साइड में लगा लेते हैं बॉर्डर थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। ये हो गया इधर से। अलग अलग कलर का रेट्रो लगता रहता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास में अलग कलर का रेट्रो नहीं था, सिर्फ रेड कलर का रेट्रो टुकड़ा बचा हुआ था। अब एक बॉर्डर बच गया सिर्फ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके का रेट्रो बोर्ड अगर आप घर बैठे बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।